हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिलाषा, आप देख रहे हैं मी एंड माय एफर्ट्स। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूं। ये जो लुक मैंने किया है, ये लुक मैंने सिर्फ ओनली 5 प्रोडक्ट्स को लेके किया है। लुक को क्रिएट करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स मुझे लगे हैं एंड बहुत ही ईजी एंड सिंपल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया उसे देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्लींजिंग। जो भी डर्ट था मैंने रिमूव कर लिया है एंड उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, जो कि है पतंजलि से। काफ़ी अच्छा है एलोवेरा जेल है। इसको मैं दो तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, एक तो प्राइमर और एक मॉइस्चराइज़र के पर्पज़ से। इससे क्या होता है, पोर्स भी हाइड हो जाते हैं एंड जो हमारी स्किन है बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। तो ये 2-in-1 वर्क करता है और जो भी पोर्स होते हैं बहुत अच्छे से ये फिलअप कर दे। एंड इसके बाद में मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं पूरे फेस में डॉट डॉट करके लगा रही हूँ एंड थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ, तो क्योंकि मैं कोई भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ली है मैंने। एंड फिंगर की हेल्प से मैंने डैप डैप करके इसको पूरा फेस में स्प्रेड कर लिया है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फिंगर से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद में मैंने लैक्मी का लूज़ पाउडर लिया है, उससे मैं अपने स्किन में प्रेस करते हुए जो मैंने बेस रेडी किया है उसको मैं लॉक कर रही हूँ, ताकि जो मेरा जो भी बेस है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड स्वेट प्रूफ रहे। इस वजह से मैंने ये ट्रिक अक्सर मैं यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की ट्रिक है कि प्रेस करते हुए लूज़ पाउडर का यूज़ करती हूँ मैं। एंड उसके बाद में मैं ब्रो फिल कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने काजल का यूज़ किया है। ब्रो पेंसिल नहीं ली है मैंने, क्योंकि ये मेकअप ट्यूटोरियल 5 प्रोडक्ट्स को लेके है, तो इस वजह से मैंने ब्रो पेंसिल का यूज़ नहीं किया, काजल का यूज़ किया है। अच्छे से उससे हल्के हाथों से ड्रॉ करूँगी एंड स्पूली की हेल्प से उसको कॉम कर लिया है ब्रो को, बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गई थी। उसके बाद में मैं काजल लगा रही हूँ और काजल मैं बहुत ही लाइट हाथों से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए था मैंने, क्योंकि फेक आईलैशेस भी यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड मस्कारा भी नहीं यूज़ कर रही, इस वजह से मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए था। बहुत ही आराम से मैंने काजल लगाया एंड उसके बाद में अपर लैशेस में भी मैंने लगा लिया है। देखिए, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से लगाना है, ताकि मतलब बहुत अच्छे से लग जाए और मेकअप हमारा ख़राब ना हो। देखिए कितने अच्छे से लुक हो गया है, ये बहुत अच्छे से एंड बहुत जल्दी ये लुक हो गया था, विद इन 5 मिनट्स हो गया था। एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक कुछ पिंकी शेड में, मुझे शेड नंबर याद नहीं है एग्जैक्ट, तो ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इसको ही मैं अपनी चिक पे एंड नोज पे डॉट डॉट करके लगा रही हूँ एज अ ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। बुलेट लिपस्टिक है ये, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी। एंड इसके बाद में मैं अपनी हेयर को थोड़ा सा टाई कर ली हूँ। फ्रंट से मैंने पफ किया एंड एक पोनी की है एंड ये मेरा फाइनल लुक है। बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक लगे एंड ये मेरा फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, ये लुक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ था। अगर आप लोगों को ये लुक थोड़ा भी पसंद आया तो मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर टू ऑल।